हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे 30 जुलाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, हाल ही में आरपी उपाध्याय किस राज्य के डीजीपी बने हैं? तो हाल ही में आरपी उपाध्याय जी अरुणाचल प्रदेश के डीजीपी बने हैं। डीजीपी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो डीजीपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व बाघ दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया है। जुलाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज की लिस्ट है यहाँ पे। 1 जुलाई की बात करें तो नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। इसकी थीम थी जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। 6 जुलाई की बात करें तो वर्ल्ड जूनोजर डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। 11 जुलाई की बात करें तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया गया है। ये क्वेश्चन पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट डाउन कर लीजिएगा। 15 जुलाई की बात करें तो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के रूप में मनाया गया। इसकी थीम थी लर्निंग टू लर्न फॉर लाइफ एंड वर्क। अगला हमारा 17 जुलाई, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। इसकी थीम है इफ़ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट, वर्क फॉर सोशल जस्टिस। 18 जुलाई की बात करें तो 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरीके से 20 जुलाई इंटरनेशनल चेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, चेस एक खेल का नाम है। और 22 जुलाई वर्ल्ड ब्रेन डे के रूप में, 23 जुलाई नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट डाउन कीजिएगा, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, हेपेटाइटिस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे प्रभावित होने वाला अंग? लीवर है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस की वजह से कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो लीवर सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग है हेपेटाइटिस की वजह से। इसके टाइप पूछे जाते हैं तो ए, बी, सी, डी और ई, 5 टाइप के होते हैं। इसकी थीम इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट डाउन कीजिएगा, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई। इसकी थीम है इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस। अगला हमारा 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक बीके जौहरी जी बने हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने यूएस में पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है? तो हाल ही में सुदर्शन पट्टनिक जी ने यूएस में पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है। और यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री डोन कूपर रॉय का निधन हो गया है? हाल ही में मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री डोन कूपर रॉय का निधन हो गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डोन कूपर रॉय जी का हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? तो डोन कूपर रॉय जी का निधन हो गया है, ये एक पॉलिटिशियन थे। मेघालय की बात करें तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। सीएम यहाँ पे कोनराड संगमा जी हैं। गवर्नर की बात करें तो यहाँ पे राज्यपाल हैं तथागत रॉय जी। लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में सिर्फ 1 सीट है। विधानसभा में 60 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क यहाँ पे नोक्रेक नेशनल पार्क है। और फोक डांस यहाँ का बांग्ला है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय सेना के अगले सैन्य संचालन महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय सेना के अगले सैन्य संचालक महानिदेशक जनरल परमजीत सिंह जी बने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन गुवाहाटी में किया जाएगा। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में है। असम की कैपिटल है दिसपुर। सीएम यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। और गवर्नर की बात करें तो यहाँ पे राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं, विधानसभा में 126 सीटें हैं। फोक डांस की बात करें तो फोक डांस यहाँ पे बिहू फोक डांस है असम का। तो इसे याद रखने की ट्रिक है, असम की बहू। असम से आप स्टेट याद रख सकते हैं, बहू से आप बिहू याद रख सकते हैं, जो कि असम का फोक डांस है। नेशनल पार्क की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क है यहाँ पे। इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने जर्मन ग्रैंड प्री जीता है? तो हाल ही में
मैक्स वेरस्टापेन जी ने जर्मन ग्रैंड प्री जीता है। जर्मन जर्मनी से रिलेटेड है। जर्मनी की कैपिटल की बात करें तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है। प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एस जयपाल रेड्डी का निधन हो गया है, वह निम्न में से किससे संबंधित थे? तो हाल ही में एस जयपाल रेड्डी का निधन हो गया है, वह एक राजनीतिज्ञ थे या राजनीति से संबंधित थे? अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने जर्मन टेनिस चैंपियनशिप जीती है? तो हाल ही में निकोलस बेसलास्वेली जी ने जर्मन टेनिस चैंपियनशिप जीती है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किस देश की यात्रा की है या किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बेनिन, गाम्बिया और गिनी, इन तीनों देशों की यात्रा पर गए हैं। बेनिन, गाम्बिया और गिनी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, उपरोक्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिस डेफ वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? मिस डेफ वर्ल्ड का खिताब विदिशा बलियान जी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए नीति आयोग के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में व्हाट्सएप ने महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए नीति आयोग के साथ समझौता किया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।